देश को हिलाकर रख देने वाला खुलासा। दो हजार पांच सौ पन्नों में दर्ज गुनाहों का सच। बेगुनाहों को आत्मघाती बनाने वाला प्यार। जिंदगी छीनने वाली मोहब्बत से सावधान। हिंदुस्तान में चल रहा है लव जिहाद का सिंडिकेट। लव जिहाद पर एनआईए की सबसे पुख्ता रिपोर्ट। नकली रिश्ते की आड़ में आतंकी एजेंडा। दक्षिण भारत में आतंकी मोहब्बत की फैक्ट्री। लव जिहाद गैंग पर एनआईए का सबसे बड़ा ऑपरेशन। आतंकी मोहब्बत की 12 गुनहगारों की तलाश। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और आज हम आपको दिखा रहे हैं सबसे अहम खबर। जी हां, देश में लड़कियों को बहला फुसलाकर या ब्लैकमेल करके उन्हें आतंकी बनाने की साजिश हो रही है। एनआईए की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि लव जिहाद सिर्फ धर्म परिवर्तन करवाकर गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस्लाम कबूल करवाने के बाद उन्हें जिहाद के लिए आतंकी बनाने की कोशिश होती है और ये सब एक सिंडिकेट के तहत हो रहा है। एनआईए ने 12 ऐसे चेहरों की पहचान कर ली है जो लव जिहाद की बड़ी साजिश में शामिल है। और हम दर्शकों को बता दें कि इस विशेष रिपोर्ट की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि की गई, एक्सपर्ट्स की राय भी ली गई और तकनीकी रूप से ये फुटेज बिल्कुल सही है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखने के बाद पूरे देश को सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाथ पे कलावा ये मान लेते हैं ना दिखाने के लिए, गले में लॉकेट डाल लेते हैं। ईमानदारी में पड़ती नहीं है कोई, क्या करे। तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए जी। लव जिहाद यानी मोहब्बत की आड़ में बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना, धर्म परिवर्तन के बाद लड़कियों को आतंकी बनाना और आतंकी बनाने के बाद उन्हें भी जबरन जिहाद में शामिल करना, और इन सब के पीछे है 12 चेहरे। एनआईए को उन 12 लोगों की तलाश है जो केरल में लव जिहाद के आतंकी मिशन के मास्टरमाइंड हैं। लव जिहाद को लेकर पहली बार एनआईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। केरल के शफीन की शादी को रद्द करने के कोर्ट के फैसले के बाद जब एनआईए ने जांच शुरू की तो सारा सच सामने आ गया। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें इस बात के सबूत मिले हैं कि भारत में लव जिहाद को आतंकियों के मिशन के तहत बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। देश में लड़कियों का साजिशन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके बाद उनका निकाह होता है, उसके बाद शुरू होता है उन्हें आतंकी बनाने की सबसे बड़ी साजिश। देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी एनआईए को इससे जुड़े कई सबूत हाथ लगे हैं। एनआईए के पास इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से इन लड़कियों को बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। एनआईए ने 12 ऐसे चेहरों की भी पहचान कर ली है जो इन लड़कियों का धर्म परिवर्तन करते हैं, यानी एनआईए के पास आ चुके हैं उन 12 चेहरों की पहचान जो इस पूरे साजिश में शामिल हैं। लव जिहाद को लेकर एनआईए की रिपोर्ट पर जरा गौर कीजिए।
केरल के शफीन और हदिया की शादी के मामले पर एनआईए ने जांच की। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लव जिहाद सच में होता है। एनआईए को जांच में पता लगा कि लव जिहाद को लेकर सिंडिकेट बना है। 12 लोग केरल में बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। लव जिहाद में शामिल ज्यादातर युवक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं। लव जिहाद में शामिल लोग पहले लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, धर्म परिवर्तन के बाद मुस्लिम लड़कों से शादियां कराई जाती है। केरल के चेरानी में एक संस्था गैर मुस्लिमों के धर्म परिवर्तन में शामिल है। लव जिहाद को लेकर यह बड़ा खुलासा केरल के शफीन और हदिया का मामला सामने आने के बाद हुआ। 2016 में शफीन से शादी करने वाली हदिया अपने पहले परिवार से अलग हुई और फिर इस्लाम कबूल कर लिया। हदिया के पिता ने जब इस पूरे मामले में कोर्ट को बताया कि यह साधारण धर्म परिवर्तन या गैर मजहब में शादी का मामला नहीं है, बल्कि लव जिहाद के तहत आतंकी बनाने की साजिश है। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब एनआईए को लव जिहाद की साजिश से जुड़े कई और सुराग मिले हैं। केरल के शफीन का हिंदू लड़की से शादी का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को बेहद गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से कहा है कि इस बात की जांच करे कि लव जिहाद सिर्फ केरल में है या देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला हुआ है। एनआईए ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर की है वो ये बताती है कि आईएसआईएस लव जिहाद के नाम पर देश में अपने नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। एनआईए की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र सरकार पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। केरल में लव जिहाद की फैक्ट्री का खुलासा होने पर सरकार ने इशारों में कहा कि एनआईए की जांच में सारा सच सामने आ जाएगा। आई वुड नॉट प्रिफर टू मेक अ कमेंट व्हिच मे लीड टू सम पॉलिटिकल ट्विस्ट ऑन द इशू। फॉर अस दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, बट दिस इज एन इशू व्हिच लोकल पीपल हैव फेल्ट दैट देयर इज समथिंग बिहाइंड द होल पैटर्न। सो व्हेन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज made certain observations and given direction, I would prefer not to make some additional comment on that. सूत्रों का दावा है कि केरल के लव जिहाद सिंडिकेट में एनआईए को इस बात की भी जानकारी मिली है। लड़कियों को इस पूरी साजिश के तहत आतंकी बनाया जाता है। एनआईए इस बात की भी जांच कर रही है कि लव जिहाद वालों के तार आईएसआईएस, अलकायदा, हिजबुल या बाकी आतंकी संगठनों से तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गैर मुस्लिम लड़कियों को धीरे धीरे आतंकी बनाकर जिहाद का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाता है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। तो देखा आपने कैसे एनआईए जैसी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लव जिहाद बकायदा सोच समझकर और एक सिस्टम बनाकर साजिश के तहत किया जा रहा है। आखिरकार लव जिहाद से आतंकी कैसे बनाए जाते हैं, इसे लेकर कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। लव जिहाद करने वाले ग्रुप के लोग सोशल साइट्स और दूसरे माध्यमों से लड़कियों से संपर्क करते हैं। शुरुआत में वो लड़कियों से अपना असली नाम और पहचान और धर्म छिपाते हैं। इसके बाद लड़की से दोस्ती, प्यार और फिर शादी के वादे करते हैं। कई बार तो लिव इन में रहकर लड़की पर विश्वास जमाने की कोशिश की जाती है। फिर परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो लड़की का ब्रेन वॉश करते हैं। लड़के से शादी करने के बाद उसका भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लड़की धर्म परिवर्तन के लिए राजी अगर नहीं होती है तो उस पर जुल्म करते हैं। कई मामलों में लड़की को जबरन आतंकी बनाने की शिकायतें भी मिली हैं। लव जिहाद में शामिल लोग लड़कियों के दिलो दिमाग में जिहाद की बातें भरकर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन की मदद के लिए विदेश भेजते हैं। अगर लड़कियां आतंकी बनने से इनकार करती हैं तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। कई मामलों में लव जिहाद में फंसने के बाद कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और कुछ घर वापस लौट आई। लव जिहाद की साजिश के पीछे आईएसआईएस, अलकायदा, लश्कर, हिजबुल आतंकियों से मदद मिलने का शक भी है। यह सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। और एनआईए को इस बात की खबर तो कई साल पहले से है कि केरल समेत दक्षिण भारत के कुछ जिलों में लव जिहाद की साजिश काफी तेजी से फैल रही है, लेकिन केरल के शफीन और हदिया वाले मामले की जांच के दौरान जो कुछ भी सामने आया वो काफी हैरान करने वाला है। भारत में शादियों को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अंतरजातीय शादियां हों या गैर धर्म में शादी,
आज भी परिवार वालों की मर्जी के बगैर शादी करने पर विवाद होता है। हालांकि वक्त के साथ अपनी मर्जी से शादी करने की बात को भी समाज में खुले दिल से कबूल किया जा रहा है, मगर प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना और फिर लड़की को आतंकी बनाकर जिहाद के लिए भेजने की साजिशें दबे पांव आई और तेजी से फैलने लगी। लव जिहाद को लेकर एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस पूरे मामले को सोची समझी साजिश करार दिया गया है। एनआईए ने केरल के शफीन और हत्या केस से जुड़े 2500 पन्नों की जांच की। 2500 पन्नों को पढ़ने के बाद एनआईए ने 22 पेज की रिपोर्ट तैयार की। एनआईए ने 22 पेज की रिपोर्ट में केरल लव जिहाद मामला सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। एनआईए के मुताबिक केरल में पूरा सिस्टम बनाकर लव जिहाद चलाया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों द्वारा कहें या एक तंत्र द्वारा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उस धर्मांतरण के बाद उनको कई अवैध कार्यों में उनको लगाया जा रहा है, उनका पता नहीं चल पाता है। केरल लव जिहाद की जांच में इस पूरे मामले के आतंकियों से जुड़े होने के सुराग मिल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि केरल का शफीन भी लव जिहाद वाले मिशन का अहम सूत्रधार हो सकता है, क्योंकि वो जिस संस्था से जुड़ा है वो राष्ट्र विरोधी साजिश में शामिल रही है। केरल का शफीन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अंग माना जाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्रालय और एनआईए दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर नजर रखे हुए हैं। एनआईए के पास अब पीएफआई सदस्यों के खिलाफ कई देशद्रोही और आपराधिक मामले भी हैं। एनआईए ने 2016 में अथिरा के साथ जबरन धर्म परिवर्तन का जिक्र भी किया है। 2016 में एनआईए ने अथिरा के केस की जांच में लव जिहाद के सबूत पाए थे। अथिरा केस में साजिश के तहत लव जिहाद और आपराधिक मामला दर्ज किया था। लव जिहाद में शामिल संस्थाओं की जांच के दौरान एनआईए को 12 लोगों का पता चला है। एनआईए उन 12 लोगों को ढूंढ रही है जो संस्था के जरिए लव जिहाद का जाल फैलाते हैं। मैं उसको इनकार नहीं कर सकता हूं कि विदेशी आतंकी ताकतों द्वारा भी सुनियोजित ढंग से भारत में ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराएं और फिर उसके माध्यम से कुछ गलत कार्यों में उनको लगाएं। केरल लव जिहाद का मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ये भारत की तमाम महिलाओं की जिंदगी और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले 12 आरोपियों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। एनआईए को इन सब के खिलाफ कई ठोस सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर इन सभी से जल्द पूछताछ हो सकती है। अगर देखा जाए तो मामला सिर्फ लव जिहाद या धर्म परिवर्तन का नहीं है, इस पूरे साजिश में आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं जो लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा करके उन्हें आतंकी बनाना चाह रहे हैं। लव जिहाद को लेकर एनआईए को इतने चौंकाने वाले सुराग और 12 मास्टरमाइंड इन गुनहगारों के बारे में कैसे पता चला? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केरल के शफीन और हदिया के मामले में लव जिहाद की शिकायत को बेहद गंभीर माना और एनआईए को जांच सौंप दी। एनआईए ने जब केरल पुलिस की जांच के कागजात देखे तो मालूम हुआ कि शफीन उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। इस तस्वीर में दो चेहरे हैं। इन दोनों का ताल्लुक लव जिहाद से है। एक चेहरा जिसे आप देख सकते हैं, दूसरा चेहरा जिसे हम दिखा नहीं सकते। ये अखिला उर्फ हदिया है और काली दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स शफीन है। 24 साल की हिंदू लड़की अखिला का निकाह दिसंबर 2016 में मुस्लिम युवक शफीन जहां से हुआ था। आरोप है कि निकाह से पहले शफीन ने अखिला का धर्म परिवर्तन कराया, उसके बाद अखिला हदिया बन गई। अखिला के पिता अशोकन के मुताबिक शफीन और उसका गिरोह अखिला का ब्रेन वॉश कर रहा था। अशोकन ने अपनी बेटी के हाव भाव को देखकर आरोप लगाया कि अखिला का धर्म परिवर्तन उसे आतंकी बनाने के लिए किया गया। उन्होंने आशंका जताई कि अखिला को आईएसआईएस आतंकी बनाकर सीरिया भेजने की तैयारी की जा रही है। अखिला के पिता का दावा है कि आतंकी साजिश के लिए केरल में शादी के बहाने धर्म परिवर्तन करने का काम एक संगठन के जरिए हो रहा है। इस निकाह के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अखिला के पिता की पहली अर्जी खारिज हो गई थी, लेकिन दूसरी अर्जी पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने अखिला और हदिया के निकाह को रद्द कर दिया। अखिला के दिमाग पर कट्टरपंथ और आतंकवाद के असर को देखते हुए ये शादी रद्द की गई।
केरल हाईकोर्ट के आदेश पर अखिला को घर वापस ले जाने के लिए पिता को सौंपा गया। केरल हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में लव जिहाद का आरोपी शफीन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शफीन ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अखिला और फदिया बालिग है और इसलिए उसे उसके पति को सौंपा जाए। तो इन 12 गुनहगारों के बारे में तो जानकारी मिल गई, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं। सवाल ये है कि क्या ये ग्रुप सिर्फ दक्षिण भारत या केरल तक ही सीमित है या धीरे धीरे अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है पूरे देश में। और सवाल ये भी है कि क्या इसका संबंध ISIS, अलकायदा और बाकी आतंकवादी संगठनों से तो नहीं है। NIA की जांच लगातार जारी रहेगी।